बॉलीवुड के बीच में एक आलिशान कैंप में हुक्का बियर एंड सामने हॉट बेली डांसिंग अनलिमिटेड खाना रेगिस्तान में एक 4x4 कार को 20-20 फुट ऊंचे सैंड के पहाड़ों से उछालना कैमल राइड दुबई सिटी से डेजर्ट तक का आना एंड जाना ये सब कुछ सिर्फ 1500 रुपीस में दुबई जैसे शहर में जहाँ एक 20 मिनट की टैक्सी राइड ही 1200 रुपए की होती है इतने सस्ते में डेजर्ट सफारी की डिटेल एंड फुल बजट इन्फॉर्मेशन Hey guys, this is Arjun and you're watching Icon Travel. इस पैकेज को मैंने बुक किया था ग्रुप ऑन से मैंने ढूंढा ये अरेबियन किंग का टूर एंड जब मैंने टूर का प्राइस देखा तो मुझे लगा शायद बाद में कुछ स्कैम होगा लेकिन एक्चुअली में ये दुबई का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था एंड दुबई में बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए वो भी बिल्कुल सस्ते में ग्रुप ऑन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा Hey guys, what's up? डेजर्ट सफारी करने जा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे बुलाया है लूलू हाइपर मार्केट है ये अल बारशा में मेरा दिन स्टार्ट हुआ लूलू मार्केट अल बारशा से जो कि मेरा पिकअप पॉइंट था बेस्ड ऑन आप कहाँ पे रुके हो उसके पास वाला पिकअप पॉइंट आप चूज कर सकते हो जहाँ से आपको बस लेनी होगी आधा घंटा लग गया था डेजर्ट पहुंचने में लेकिन दुबई से डेजर्ट का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी डेजर्ट नहीं देखा था बट आई कैन टेल यू डेजर्ट में काफी मजा आता है ट्रस्ट मी डोंट हैंग अप कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन आई गिव अप आई नो हाउ दिस एंड्स Might sound strange, but I'd give my life for you. Nothing's changed, I just ran away from the truth. One of us makes a mistake, we work our way through the heartache. बैशिंग की कार के लिए आपके 4 से 5 लोगों का ग्रुप बना देंगे मेरे ग्रुप में मैं अकेला था 2 अमेरिकन बंदियां थी एक कपल था एंड वी बिकेम फ्रेंड्स जिसके बाद हमने डिनर भी साथ किया मुझे बेस्ट सीट इन द हाउस मिली मैंने कहा मैं तो आगे डून बैशिंग 15 मिनट होती है मुझे कम लग रहे थे 15 मिनट बट जब शुरू होती है और वो सैंड के पहाड़ों पे कार को उछालना शुरू कर देता है तो 15 मिनट बहुत ज्यादा लगता है
इंक्लूड कैमल राइड, सैंडबोर्ड फ्री, क्वाड बाइक और हॉर्स राइड एक्स्ट्रा चार्ज। ओके गाइस, तो ड्यून बैशिंग के बाद अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो, क्योंकि जो हमारा पैकेज है उसमें कैमल राइड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये अगर क्वाड बाइक्स, ये जो बाइक्स है ना ये लेनी है तो इनका चार्ज है 100 dirham 15 minutes के, तो वो मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। मैंने लेकिन वो चील के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवा ली, जो हर कोई खिंचवाता है, उसके 20 dirham लगे हैं। उसके बाद बेली शो, खाना और वापस छोड़ेंगे जहाँ से उठाया है। डून बैशिंग के बाद कैमल राइड ले सकते हो। कैमल राइड के बाद आपको एक डेजर्ट कैंप में लेके जाते हैं, जो आई मस्ट से बहुत सेक्सी था। वो अरब वाली फीलिंग आ जाती है, कंफर्टेबल गद्दे फॉर सीटिंग, हुक्के वाला बार, खाना। थर्ड से यहाँ पे अंदर आ गए हैं, यहाँ पे बेली डांसिंग होगी अब, एंड या दम भी रहे करोना। 70 dirham का ट्रिप था, 70-75 dirham का, और 35 की तो मैंने एक अकेली बियर ही ले ली, क्योंकि मैं बियर देख के रह ही नहीं पा रहा था, तो बियर तो पीनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये गए मेरे साथ ट्रिप पे थे। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स है, और इसके बाद हमें मिलेगा मेन कोर्स बारबेक्यू, और ये कुछ व्यू ऐसा ऐसा है। मैं अपनी टेबल पे जा रहा हूँ, तो जो लोग मेरे साथ कार में थे ना, मैं उनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ। तो हम 5 हैं टोटल, 2 लड़कियाँ हैं, अमेरिकन एक लड़का है, एक लड़की है, व्हाटएवर। एंटर करते ही आपको कॉफ़ी एंड स्टार्टर मिल जाएंगे, जिसमें एक स्नैक का रोल मिलता है एंड कोई और आइटम। मैंने कॉफ़ी की जगह बियर ले ली, वो मुझे पड़ी 30 dirham की, उसका एक्स्ट्रा चार्ज था। उसके बाद खाना ओपन हो जाता है, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि क्वांटिटी आप जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो, एंड वैरायटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। इस पूरे बेली डांसिंग के शो में मैंने 3 बियर ली, जो टोटल मुझे 90 dirham की पड़ी। उसके बाद मैंने हुक्का ऑर्डर कर लिया, जो 75 dirham का पड़ा मुझे, एंड ये सब एक्सपेंसेस पे आप डेफिनेटली सेव कर लेना, लेकिन मुझे हुक्का पीना था, बिकॉज हुक्के के साथ बेली डांसिंग का मजा ही कुछ और है। गाइस, तो ये हुक्का मंगाया हमने, एंड दिस इज फॉर 75 dirham। वाओ, और ये बंदी बहुत सही है, बहुत हॉट है, रियली बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको मेरी तरह बियर पीने का शौक नहीं है, तो आप अपना पूरा सफारी 75 दिरहम में भी कर सकते हैं। उसके बाद फायर शो एंड बेली डांसिंग था, एंड अरेबिक डांस शो था, 4 शो थे इन टोटल। ये बेली डांसिंग,
आप फैमिली के साथ हो या कपल में हो तो ये आपके लिए सबसे टॉप सफारी डील रहेगी। उसके बाद रात के टाइम डेजर्ट में थोड़ी ठंड हो जाती है, फिर वो आपको बस में बिठाते हैं। सिटी में ड्रॉप होने के बाद मैं आ गया बुर्ज खलीफा। व्यू डेफिनेटली हमेशा बेस्ट है बुर्ज खलीफा का। और दुबई मॉल में मुझे करना था डिनर। हे गाइस, व्हाट्स अप? सो गाइस, अब हम आ गए हैं दुबई मॉल। थोड़े से पैसे निकालनी है, लाइक 500 दिरहम। थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, कपड़े वपड़े ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे हैं, तो वो करूँगा। और ये देखो, ये ऐसा नज़ारा है दुबई मॉल। वो एड्रेस होटल है, वो रोल्स रॉयस, ये पूरी मॉल की एंट्रेंस है गाइस। शाइनी एंड वो बर्ज, वाओ वाओ वाओ, दिस इज सो इनसेन दुबई मॉल। Whoa, Burj. दुबई मॉल इज द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। और मेरा कोई मूड नहीं था अब यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने का, क्योंकि डेजर्ट सफारी करने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी। इनफैक्ट मेरी नहीं, जितने भी लोग डेजर्ट सफारी पे थे वो सारे वापस सोते सोते गए हैं। अब ये इस बिल्डिंग को बनाने का प्लान कर रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे भाई दुबई मॉल इतना चलना पड़ता है ना। मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज़्यादा चलता है, मैं भी थक गया हूँ यार, मेरी फट गई है बिल्कुल चल चल के यहाँ पे। हे गाइस, व्हाट अप? तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ थोड़ी सुशी खाने। ये सुशी की काफ़ी बढ़िया सी शॉप नज़र आई है, काफ़ी प्रोफेशनल सुशी लग रही है इनकी, तो लेट्स ट्राई इट। और बड़े महीनों से सुशी नहीं खाई, क्योंकि दिल्ली में तो मैंने कभी ढूँढी नहीं सुशी कि कहाँ पे बढ़िया मिलती है। और जब जापान में रहता था, जापान में तो मतलब वो तो सुशी के बादशाह हैं। तो इट्स लाइक मैं फिर यहाँ पे बैठा हूँ अभी, यहाँ पे बहुत रश है, भरे गए लोग। तो यहाँ पे अभी 15 मिनट हो गए, मैंने दो टाइप की सुशी ऑर्डर करी है। 6 पीस की एक प्लेट है, और एक प्लेट है 19 दिरहम की, 400 रुपये की। दूसरी प्लेट भी है अराउंड 25 दिरहम की। तो मैं सुशी रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ पे मैंने 3 प्लेट सुशी खाई, एंड द बिल वाज अराउंड 112 दिरहम, अराउंड 2200 रुपये। गाइस, तो फाइनली मेरी सुशी आ गई है। तो ये है टूना, ये है फ्राइड सैल्मन, ये जिंजर है, वसावी, और बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ मैं। लेट्स सी, ओह माय गॉड, गाइस इस जगह की सुशी बहुत अमेजिंग है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। उसका नाम है ये देखो, योई समथिंग, यो आई मीन नॉट योई, यो विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे दुबई में अगर टाइम वेस्ट करना हो ना, ओ माय गॉड,
हर जगह लोग ही लोग इतने ज़्यादा हैं कि इस रेस्टोरेंट में सुशी खाने के लिए 35 मिनट लग गए। अभी टाइम हो रहा है 9:22 ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं कह रहा था कि मुझे 10:30 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, सिर्फ एक घंटा बचा है। इस मॉल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में 17 मिनट 18 मिनट 20 मिनट लगते हैं, इतना बड़ा मॉल है। हे गाइस, यहाँ पे मॉल में शॉपिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि सारे ब्रांड्स 50-70% ऑफ चल रहे हैं, वो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की वजह से। तो मेरा बहुत सारी चीज़ें लेने का मन कर रहा है लेकिन वैसे इतना पैसा ख़त्म हो चुका है कि मैं बता नहीं सकता। ये दुबई मॉल का सबसे फेमस स्पॉट है, ये स्पॉट बहुत ही फेमस स्पॉट है। ये देखो, वाओ वाओ, दिस लुक्स सो सो अमेजिंग, वाओ। आई होप यू लाइक दिस एक्सपीरियंस, कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, लाइक द वीडियो अगर मज़ा आया, एंड अंटिल देन लेट्स आइकॉन ट्रैवल।